नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट नो वेट सी क्रीम के बारे में। गाइस काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये क्रीम किस लिए यूज़ की जाती है। बस वो किसी से पूछते हैं कि तुमने कौन सी क्रीम यूज़ करी गोरी होने के लिए, तो वो बोल देंगे कि हमने वेट नो वेट सी लगाई, तो वो भी यूज़ करने लगते हैं। हर किसी के कहने पर वो है जो वेट नो वेट सी क्रीम को यूज़ करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्रीम किस काम की है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स या ड्रग यूज़ किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, एकदम सही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस इसका एक बार प्राइस पे नजर डाल लेते हैं। जो पहला हमारा काम है गाइस वो ये है कि ये है 48.50 रुपये की ये क्रीम आती है, मतलब 48 रुपीज़ की जो है ये क्रीम आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे से ही, ठीक है। तो अब बात कर लें कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ किए गए हैं और ये ड्रग के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान आपको तभी होंगे जब आप इसको गलत तरीके से यूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो हम इसके ड्रग के बारे में आपको बता देते हैं। पहला जो ड्रग है है बीटा मेथासोन। इसका काम होता है एक्जिमा को ठीक करने के लिए। ये जानकारी आप विकिपीडिया पर से भी ले सकते हैं, दुनिया की सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है, वहां पर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं जो जानकारी बता रहा हूं वो वहीं से बता रहा हूं, ठीक है, उसके अनुसार ही। दूसरा जो है इसमें क्लाइकिनिकोल मिलता है, क्लाइकिनियोल है ना, क्लीकिनोल ये है, मैं गलत सलत बोल देता हूँ इसको कभी कभी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा ही लगता है बोलने में, मतलब पढ़ने में भी और बोलने में भी। तो ये जो इसका इंग्रेडिएंट्स का काम है वो है गाइस फंगस को ठीक करने में के लिए। मतलब फंगस ये होता है कि आपकी स्किन पर कहीं कहीं रेड से रेसेस हो जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं यार इसको एक्जिमा भी ऐसा ही होता है, यहाँ कहीं स्किन काली कहीं गोरी हो जाती है। मैं आपको स्किन पर बता देता हूँ, पहले आप देख लो क्या बोलते हैं एक्जिमा को देख लो, ठीक है। तो आपने देख लिया यह एक्जिमा, अब मैं आपको फंगस भी बतला देता हूँ स्किन पर ही। अब देख लिया आपने ये फंगस होता है, तो आप में से अगर दोनों में से अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो, दोनों प्रॉब्लम है तब भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। अब गोरे होने की बात कर लेते हैं, तो गाइस ये क्रीम आपको गोरा कर देगी क्योंकि ये स्किन से एक लेयर को हटा देती है। जब स्किन से ये एक लेयर हटा देती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप गोरे हो रहे हैं, दरअसल आप गोरे नहीं हो रहे हैं, आपकी स्किन बेकार हो रही है और आप धूप में जाते से ही आपकी स्किन रेड होने लगेगी। ये जो इसमें ड्रग यूज़ किए गए इनकी आदत अगर एक बार स्किन को पड़ गई तो फिर जब आप क्रीम को छोड़ नहीं पाओगे गाइस, है ना, अगर छोड़ोगे तो इतने खतरनाक साइड इफेक्ट होंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। हाँ मतलब आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा गाइस। तो आप अगर इस क्रीम को फेस पर यूज़ कर रहे हो तो खास करके डॉक्टर से एक बार इस क्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना। अगर आप इस फेस को छोड़कर कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास ये क्रीम है फेस को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि फेस के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको कहीं फंगस वगैरह या फिर एक्जिमा वगैरह स्किन हाथ वगैरह पर कहीं है फेस के अलावा, तो आप क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।